अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने सूफी फूड में बनाने वाले हैं एक बहुत ही मज़े की और सिंपल बहुत ही टेस्टी। तो हम काली दाल की खिचड़ी बनाने वाले हैं, यानी उड़द की दाल की खिचड़ी बनाएंगे, जो विंटर स्पेशल है। इसे सर्दियों में खासकर खाया जाता है। बहुत ही टेस्टी और आसान और सिंपल तरीके से बनेगी। जब आप इसे बनाएंगे ना, इसे उड़द की दाल की खिचड़ी को, जब आपको पता चलेगा ये तो सारी खिचड़ियों या फिर पुलाव मात देने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुकर में हमने तेल ले लिया है, 100-150 ग्राम अपना तेल ले लेंगे। काफ़ी अच्छा तेल इसमें जाएगा। और कुछ डालते हैं हम इसमें गरम मसाला, प्याज वगैरह। तो देखिए, ये 4 हरी मिर्च लिए मैंने, 1 चम्मच जीरा लिया है। देखिए, 4 हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, ये छबीला है हमारा, ये स्टार फूल, लौंग, जावित्री, छोटी बड़ी इलायची लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 4-5 हरी मिर्च लिए, इसको बीच में से चीरा लगा लिया। उसके बाद हम इसे तेल में डालेंगे। तो देखिए, मिर्ची पहले तेल में डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तेल में जब मिर्ची फ्राई हो जाती है उसका, तो आप सबसे पहले मिर्ची डालना, उसके बाद गरम मसाला डालना। और मिर्ची को हमें बिल्कुल भी जलाना नहीं है। आप देख सकते हैं किस हालात की मेरी मिर्ची हो गई थी, किस कंडीशन की। तो आपको भी इसी कंडीशन में होने के बाद फिर आपने गरम मसाला डालना है। और थोड़ी सी गरम मसाले की जब खुशबू आ जाए, उसके बाद एक प्याज डाल देनी है अच्छी खासी। और इस प्याज को हमें लाइट गोल्डन कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल आसान तरीके से बनेगा। आप देखना, आप जब इसे खाएंगे ना तो खाते रह जाएंगे। ये भाई खिचड़ी तो बहुत ही टेस्टी, और विंटर में इसे खाएंगे ना, चाहे आप इसे नाश्ते में खाएं, चाहे इसे लंच या डिनर में खाएं, बहुत ही टेस्टी। लेकिन बेसिकली कई जगह इसे सुबह नाश्ते में खाई जाती है। तो चलिए, अब हमारी प्याज भी अच्छे से लाइट ब्राउन हो गई, तो हमें इसी उसमें करना है, इसे इसी कंडीशन में रखना है। ज़्यादा नहीं हमें इसे ब्राउन करनी है, वरना हमारे चावल काले पड़ जाएंगे। तो देखिए, ये काली दाल मैंने, उड़द की दाल मैंने इसमें डाल दी है छिलके वाली। तो देखिए, मेरे घर में तो दाल थोड़ी सी कम थी, तो मैंने थोड़ी डाली इसमें। आप थोड़ी ज़्यादा डालें तो और ज़्यादा टेस्ट आएगा। दाल थोड़ी कम थी और घर में कोई नहीं था लाने वाला, तो मैंने इतनी सी दाल में बना ली। तो इन्हें बहुत पीछे पड़ी हुई थी मम्मी, दाल की खिचड़ी बना लो, दाल की खिचड़ी बना लो, 4-5 दिन से कह रही थी। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो आज इनाय की फरमाइश पे काली दाल की, मतलब उड़द की दाल की खिचड़ी बन रही है। तो देखिए, मैंने लिए बासमती राइस लिए हैं, तो मैंने आधे घंटे के लिए इसे भिगो लिया था। और आप देखेंगे कितने लंबे लंबे और खिले खिले हो जाएंगे। तो इसको बहुत ही हमें केयरफुल होकर पानी डालना है, क्योंकि हम इसे कुकर में बना रहे हैं, ऊपर से कच्चा बासमती राइस है, तो इसे घुटने का और ख़राब होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो प्लीज़ ध्यान से बनाना। और इसमें पानी बहुत ही बार बार चला चला के देखना। तो देखिए, मैंने चावल इसमें आराम से डाल दिए हैं। तो देखिए, अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। इसको ज़्यादा चलाना नहीं, क्योंकि चावल बहुत नाजुक होता है और ये टूट जाएगा। तो देखिए, मैंने पहले 1 गिलास पानी डाल दिया है और इसको हल्का हल्का चलाएंगे। दूसरा गिलास डाल दिया है और मैं इसको नमक वगैरह, मैंने आपको नमक तो दिखाया नहीं, 1 चम्मच में नमक डाल चुकी थी। और हमेशा मैं नमक भूल जाती हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है कि आपको वीडियो में नमक दिखाना ही भूल जाती हूँ। तो मैंने बेसिकली 1 चम्मच इसमें नमक गया है और पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा पानी और डाल दिया। टोटली मिला के हमारा इसमें 2.5 गिलास पानी गया है। तो हम अपना देखिए थोड़ा सा और डाल दें, वन 2.5 गिलास पूरा टोटल पानी गया। नमक वगैरह अपना खूब एडजस्ट कर लेंगे, चेक कर, और उसके बाद हम अपना कुकर का ढक्कन लगाएंगे। तो देखिए, मैं कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ और उसको तेज़ गैस पे 2 सीटी लगा लेनी है, और 2 मिनट के लिए गैस को अपने कम कर देंगे। और फिर जब सीटी आ जाएगी, तो देखिए अब सीटी भी इसमें हमारे कुकर में आ चुकी है। तो देखिए, माशाल्लाह 2 सीटी आ गई, मैंने गैस कम कर दी थी, उसके बाद मिलता है टेबल पर। तो देखिए, 2 सीटी आ गई, इसका प्रेशर भी रिलीज़ हो चुका है। तो चलिए, अब हम इसको दिखाते हैं आपको सर्व करके। तो देखिए, माशाल्लाह देखिए कितने खूबसूरत लग रही है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनेगी, लेकिन सुपर टेस्टी होने होती है खिचड़ी। अगर आपने कभी नहीं बनाई तो एक बार बना के देखिए। ये खिचड़ी बोलते हैं, लेकिन पुलाव है, बहुत ही टेस्टी और मज़े का एकदम। मतलब कुछ अगर आपका सादा और टेस्टी खाने का मन करे, तो आप ये उड़द की दाल की खिचड़ी पुलाव बनाना। तो देखिए कितना बेहतरीन ये हमारा एक एक दाना बनाया ना, एक एक दाना खिला खिला हमारी पुलाव का तो बेहतरीन से। तो चलिए, हम इसे सर्व करते हैं। आप ग्रीन मिंट की चटनी, धनिया की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ इसे सर्व करना, बहुत ही बेहतरीन। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इस खिचड़ी को अगर आपने कभी नहीं बनाया तो ज़रूर बनाना। बाय बाय।